Hello friends, first of all I am wishing you happy international yoga day to everyone. आप योग करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपने सूर्य नमस्कार के बारे में तो सुना ही होगा. जो लोग योग करते हैं उनके लिए सूर्य नमस्कार एक बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज है, और वैसे भी सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट वर्कआउट है. सूर्य नमस्कार में बहुत सारे फायदे होते हैं, सिर से लेके पैर तक सब अंगों को वो फायदा करता है. और दूसरा बाहरी ही नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे डिजीज है जिससे लड़ने के लिए भी इट्स वेरी इफेक्टिव. उसके बाद स्टेप है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. जो रेगुलर योगा करते हैं उनसे फ्लेक्सिबिलिटी, टोनिंग और वेट लॉस होता है. हम तीन फेज में कर सकते हैं, जैसे स्लो, मीडियम, फास्ट. अगर हम स्लो फेज में करेंगे तो इट्स बिकम रिलैक्सिंग एंड मेडिटेटिव. अगर हम मीडियम फेज में करेंगे तो उससे टोनिंग ज़्यादा होता है. अगर हम फास्ट फेज में करेंगे तो आप वेट लॉस कर सकते हैं. 15 मिनट्स अगर सूर्य नमस्कार डेली कर सकते हैं तो उससे यू बर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज. और वैसे भी स्टडीज ऐसे दिखा रही है कि आप क्लाइंबिंग करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, उस सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न सूर्य नमस्कार से होती है. सूर्य नमस्कार से हमारे मसल स्ट्रेंच होते हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, स्पाइन श्रिंक होना शुरू हो जाती है. अगर हम रेगुलर सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा ये हमारा स्किन रेडियंट एंड ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स होते नहीं है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे हेयर फॉल कम हो जाते हैं, इवन हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है. बॉडी की मूवमेंट नॉर्मल होने से हम वेट लॉस कर सकते हैं. जो फीमेल को कैनिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी ये इफेक्टिव है, साइकिल को नॉर्मल करता है. इवन ये ब्रीदिंग के साथ करने वाली एक्सरसाइज है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और माइंड स्टील होता है. जो हम अभी फास्ट लाइफ में डिजीज सफ़र कर रहे हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, उन सब से लड़ने के लिए भी इट्स वेरी इफेक्टिव. उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. इवन जिनको थायरॉयड की वजह से ओबेसिटी है, अगर वो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी थायरॉइड ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और उनका वेट लॉस हो जाता है. अकॉर्डिंग टू आई मतलब हमारे बॉडी के जो तीन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वाट, पित्त और कफ, उनको वो बैलेंस करता है. तो सूर्य नमस्कार है और फायदे हैं. सिर्फ आपको अपना कीमती टाइम उसके लिए निकालना है. सूर्य नमस्कार अपने आप में एक वरदान रूप है. तो अभी मैं आपको सूर्य नमस्कार दिखाऊंगी. उसके 12 स्टेप हैं, आप विद स्ट्रोक और विदाउट स्ट्रोक उसको कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में दोनों हाथों को ज्वाइन करके चेस्ट के पास ले जाना है. ये 12 स्टेप हैं, तो आप बारी बारी कर सकते हैं. फर्स्ट डे आप 12 स्टेप्स वन टाइम कीजिए, सेकेंड डे 2 टाइम्स, फिर थर्ड डे 3 टाइम, फिर 12 दिन पे 12 स्टेप्स करने के 12 टाइम करने के बाद आप डेली 15-20 टाइम्स आप करोगे तो इट्स वेरी इफेक्टिव. और मिनिमम यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स फॉर सूर्य नमस्कार. तो बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. इट मे बी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच.